हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में भारत के संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक है, सर्विसेज अंडर द इंडियन स्टेट। इस टॉपिक पर आज लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे सर्विस कंडीशंस क्या हैं और उनके सर्विस को रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या एजेंसी मौजूद है, उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्षेत्राधिकार हैं, उनके सर्विस के क्या क्या पैमाने हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अनेक बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी इस पर पूछे जाते हैं, तो मैंने समझा कि इसके बारे में आपको डिटेल व्याख्या प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे पूछते रहते हैं यूपीएससी में एग्ज़ाम कैसे होता है, उसमें किस किस पद के लिए चयन होता है, स्टेट सर्विसेज में कौन कौन से पद होते हैं, ये सारी बातों के बारे में वो पूछते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि इस टॉपिक के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से करीब 35 मिनट के अंदर में हम डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के बहुत सारे संविधान में सर्विसेज के बारे में व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन हमारा संविधान इस माने में भिन्न है कि तत्कालीन गृह मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष आग्रह पर संविधान सभा में सर्विसेज के लिए अलग से उपबंध किया गया, और वो उपबंध क्या था, धारा 309, 310, 311 और 312। तो दोस्तों, इस तरह से कोशिश ये की गई कि चूंकि भारत 200 वर्षों के गुलामी के बाद में आज़ाद हुआ था और विभिन्न विभाजनकारी शक्तियाँ देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय थी, देश का बंटवारा हो चुका था, बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, देश में पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू हिंदुस्तान आ रहे थे और हिंदुस्तान से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो इस तरह का पार्टीशन का बहुत ज़बरदस्त त्रासदी देश झेल रहा था, और उसी समय में संविधान सभा में संविधान का निर्माण भी हो रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि भारत का जो संविधान होगा वो सेकुलर होगा, इन स्पाइट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन रिलीजियस लाइन्स। और दूसरा, जो सर्विसेज हैं, जो कि जो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है भारत सरकार की, जो क्रियान्वयन करती है पॉलिसीज का, जिसके बारे में अभी बताएंगे, उसके स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखने की भी विशेष जिम्मेवारी हमारे संविधान निर्माताओं की थी, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष आग्रह पर बहुत जोर देने के कारण संविधान में सर्विसेज के बारे में विशेष रूप से उपबंध किए गए, जो आपको विश्व के बहुत सारे संविधान में नहीं मिलेंगे। संविधान सभा में बहुत सारे लोग ऑल इंडिया सर्विसेज, ICS, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके बहुत खिलाफ थे, क्योंकि आज़ादी के समय में, आज़ादी की लड़ाई में इन सर्विसों ने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को कुचला, दबाया, अंग्रेजों के इशारे पर बहुत लोगों के घर जलाए, तोड़े, तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा विरोध में थे। लेकिन जब आज़ाद भारत में यह आवश्यक समझा गया कि जो नीति या पॉलिसी सरकार के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी, क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी एक भारत जैसे विशाल देश में एक कैडर पर होना चाहिए,
और इसीलिए सर्विसेज की स्थापना की गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल निर्णय दो स्तर पर होते हैं, किसी भी सरकार में निर्णय दो स्तर पर होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जब तक उनका लोकसभा में मेजोरिटी रहता है तब तक वो सरकार में रहते हैं। जो ही लोकसभा में उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो उन्हें इस्तीफा देना होता है, तो उसको आप टेम्प्रोरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज है वो परमानेंट होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और चूंकि हमारे देश ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो हमारी सरकार लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति जिम्मेवार है। और जब तक वो बहुमत प्राप्त करेगा या बहुमत एक्सरसाइज करेगा तब तक वो पद पर आसीन रह सकता है। तो इसीलिए एक ऐसे एग्जीक्यूटिव की परिकल्पना की गई जो परमानेंट हो, जिससे कि शासन में अस्थायित्व का भाव मिले। शासन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शासन चलाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। बहुत इसमें बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये सोचा गया कि ऐसा एक एजेंसी हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, जिसके पास में विशेषज्ञता हासिल हो। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसको कि सर्विसेज कहते हैं, उनका काम गवर्नमेंट के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय को या पॉलिसी को, नीति को इम्प्लीमेंट करने या क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी उन पर होती है, और इसलिए उनको विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है, और इसलिए उन्हें विभिन्न समयों पर, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रशिक्षण देना होता है, ताकि वो विशेषज्ञता हासिल कर सके। तो पार्लियामेंट ने इसीलिए सर्विस कंडीशन को नियमित करने के लिए कुछ उन्हें विशेष रूप से अधिकार प्रदान किया गया है। और एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे स्टेट के सर्विसेज हों तो वो गवर्नर के प्लेजर पर, और केंद्र के जो सर्विसेज हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, प्लेजर तक ही आसीन रह सकते हैं अपने पदों पर। यह हमारा ब्रिटिश लीगेसी का एक पार्ट है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करना होगा। अगर किसी सरकारी अधिकारी को बर्खास्त करना है या टर्मिनेट करना है या डिसमिसल करना है, रिमूवल करना है या रिडक्शन इन रैंक करना है, बहुत सारे पनिशमेंट के विधान हैं, रूल्स में लिखे गए हैं, तो उसको दो प्रोसीजर से गुजरना होगा। पहला, आर्टिकल 311(2) के तहत में उसको औपचारिकों माने डिलिंक्वेंट ऑफिसर, जिसके खिलाफ में आप कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको मौका देना होगा, ताकि वो अपने निर्दोषता को या इनोसेंस को साबित कर सकें। और दूसरा, अगर उनके खिलाफ में विभागीय जांच की कार्रवाई होती है, तो ऐसी स्थिति में जो डिलिंक्वेंट ऑफिसर है, औपचारिक अधिकारी है, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का माने कूट परीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए, और तभी विभागीय जांच पूर्ण हो सकेगी, और तभी उस औपचारिक अधिकारी के खिलाफ में या कर्मचारी के खिलाफ में दंड अधिरोपित की जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ कि सरकारी अधिकारियों के स्वतंत्रता को उनकी किसी प्रकार के दबाव से बचाने के लिए इन उपबंधों को संविधान में जोड़ा गया है, ताकि वो अपना काम
निर्भीकता से कर सकें। अब इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश में तीन प्रकार के सर्विसेज हैं। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं दोस्तों? आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस जिसको बोलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस। हालांकि आईएफएस में एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी आता है जिसको कि जो कि केंद्र की सेवा है, जिसके बारे में अभी बताएंगे। तो ये तीन जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका माने क्या होता है? माने ये होता है कि रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, ये भारत सरकार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, नंबर दो। तो उसी में जुड़ा हुआ है कि अगर रिमूवल हो किया जाएगा इन तीनों सर्विसेज में से किसी को भी, तो उसके लिए नॉट इन्फीरियर टू द रैंक ऑफ द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी लिखा हुआ है। तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो दूसरा कोई भी नीचे का अधिकारी, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैन नॉट रिमूव ऑफिसर्स फ्रॉम देयर सर्विसेज। तो जिस जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है उसी के द्वारा उस कैडर के अधिकारी को बर्खास्त या रिमूव या डिसमिस किया जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करे, नियमित करे। और इसी के तहत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1951 बनाए। दोस्तों इसके बाद में दूसरा जो सर्विस आता है वो सेंट्रल सर्विसेज। अब इसमें भी अधिकांश सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट होता है, बहाली होता है, वो यूपीएससी के द्वारा होता है। अब सेंट्रल सर्विसेज में और ऑल इंडिया सर्विसेज में अंतर क्या है? सेंट्रल सर्विसेज में जो सेंट्रल सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके सर्विस कंडीशन को तय करती है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं तीनों सर्विसेज के, उनका सर्विस कंडीशन भारत सरकार के पास में होता है, लेकिन काम करते हैं वो विभिन्न राज्यों में। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले के व्याख्यान में बताया था कि किस तरह से भारत में हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघात्मक ढांचे का परिकल्पना भारत का संविधान करता है, लेकिन उसमें यूनिटरी स्पिरिट भी है। और वो यूनिटरी स्पिरिट माने एकात्मकता जो है, वो जिसका एक फैक्टर क्या है? क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। और इस सर्विसेज के माध्यम से, मैंने तीनों सर्विसेज के माध्यम से, भारत सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भारत के सुदूरवर्ती इलाके तक मौजूद हैं, जो हालांकि काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, संबंधित राज्य सरकार के लिए, लेकिन उनका आईएएस का या आईपीएस का या आईएफएस का जो सर्विस कंडीशन है वो पूरी तरह से नियंत्रण किसके पास में है? भारत सरकार के पास। और उसके लिए नोडल डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि जीएडी आईएएस अधिकारियों को नियंत्रण करने के लिए, होम डिपार्टमेंट आईपीएस अफसरों के लिए, डिपार्टमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट आईएफएस अधिकारियों के लिए। तो इस तरह से भारत सरकार अपने इन अधिकारियों के माध्यम से वो किसी भी जगह हस्तक्षेप करने के लिए
लिए या जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि आपको अमेरिका के संविधान में नहीं मिलेगा। ये ऑल इंडिया सर्विसेज की परिकल्पना अमेरिका में नहीं है, जो कि पूर्ण तरह से एक फेडरल राज्य है। दूसरा, तो सेंट्रल सर्विसेज में ये जो इस सर्विसेज के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और केंद्र सरकार के लिए ही काम करते हैं। तीसरा है स्टेट सर्विसेज। अब दोस्तों, स्टेट सर्विसेज के लिए आप देखते होंगे कि स्टेट सर्विसेज में जो अधिकारी होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? उनका नियुक्ति करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इनकी नियुक्ति के द्वारा स्टेट के अधिकारी जैसे कि SDM, जैसे कि DSP, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जैसे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, तहसीलदार, ये बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति स्टेट सर्विसेज के द्वारा की जाती है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है, और ये राज्य के लिए, संबंधित राज्य के लिए काम करते हैं, और इनका जो सर्विस कंडीशन है वो भी संबंधित राज्य सरकार रेगुलेट या नियमित करने का काम करती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे भारत के संविधान ने सर्विस, विभिन्न सर्विसेज को एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मतलब आपको औपचारिक अधिकारी को अपने पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देना होगा, लेकिन और इसके लिए विभागीय जांच करने के बाद ही आप किसी को बर्खास्त कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं या रिडक्शन इन रैंक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रोविजन है। और एक्सेप्शन क्या है? पहला नंबर एक, कि अगर औपचारिक अधिकारी किसी क्रिमिनल केस में, आपराधिक मामले में सजा पाया हो तो विभागीय का जांच करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द स्टेट इट इज नॉट फिजिबल टू कंडक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, लेकिन उसको आपको वरिष्ठ अधिकारी को राइटिंग में लिखना होगा कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि एक हवलदार, उदाहरण के तौर पर एक हवलदार, पुलिस का हवलदार बहुत सारे टेररिस्ट से सांठगांठ रखता है और बहुत सारे आतंकवादियों से सांठगांठ ले करके वो जानकारी आतंकवादियों को मुहैया कराता है, पुलिस विभाग के बारे में जानकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी आतंकवादियों को मुहैया कराता है। अब सवाल उठता है कि अगर विभागीय जांच किया जाएगा तो बहुत सारे चीजें सामने आ जाएंगी, बहुत जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएंगी, तो ऐसी परिस्थिति में विभागीय जांच करना संभव नहीं होगा, लेकिन उसे राइटिंग में लिखना होगा। और तीसरा पॉइंट, कि जब देश की सुरक्षा, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल हो, जब व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज गोइंग टू बी कंप्रोमाइज, उस परिस्थिति में विथ राइटिंग इन रिकॉर्ड आप उसके खिलाफ में विभागीय जांच बिना किए हुए आप उस संबंधित अधिकारी को बर्खास्त कर सकते हैं, उसको पद से पदच्युत कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या कोई भी सजा अधिरोपित कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट उपबंध हैं। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन पब्लिक कमीशन दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है और एक चेयरमैन के अलावा अन्य मेंबर भी होते हैं, उनकी संख्या 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, समय समय पर पार्लियामेंट सदस्यों की संख्या निर्धारण करता है।
जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका काम है ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों और सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों की नियुक्ति करना, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका काम है स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों की भर्ती करना। ये दोनों प्रकार के जो सर्विसेज हैं उनका काम क्या है, रिक्रूटमेंट करना, लेकिन दूसरा काम क्या है, एडवाइस देना, सलाह देना, परामर्श का अधिकार है। लेकिन उनका सलाह जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, सरकार पर या शासन पर वो अनिवार्य नहीं होता है, उनका काम है सलाह देना। अगर दो राज्य मिलकर के एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्त या संगठन करना चाहते हैं तो संबंधित राज्य के असेंबली के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद में पार्लियामेंट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी का भी संगठन कर सकता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उनके सदस्यों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। जैसे कि उनको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्य मतलब इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों और उसके अध्यक्ष को हटाने की में राज्य सरकार की भूमिका लगभग शून्य है। गवर्नर कुछ दिनों के लिए किसी सदस्य को सस्पेंड, इंट्रीम सस्पेंड कर सकता है पेंडिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में किसी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, और भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई एक्विजिशन या कोई आरोप आता है तो उसका विधिवत जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराए, जांच पूरा होने के बाद उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। अगर उसमें संबंधित कमीशन मेंबर की संलिप्तता पाई जाती है, मतलब उन पर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं, तो यह एक दुरूह प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, और ये कमीशन के मेंबर की स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना काम सही ढंग से करे इसके लिए उनको विशेष रूप से अधिकार दिए गए हैं। एक बार अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हो गए तो आप अधिक से अधिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद आप कहीं भी दूसरे जगह इम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। इसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबरान हैं वो स्टेट कमीशन के या तो अध्यक्ष बन सकते हैं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं, या उसके अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन इसके इतर वो दूसरे जगह कहीं भी इम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। तो ये सारे उपबंध यूपीएससी के और एमपीपीएससी के मेंबरों के इंटीग्रिटी, उनके इंडिपेंडेंस, उनके फ्रीडम ऑफ एक्शन, ताकि और या फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर के लिए किया गया है, ताकि वो अपना काम सुचारू ढंग से कर सकें और उनके द्वारा रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया या भर्ती की प्रक्रिया सही ढंग से, निष्पक्ष ढंग से किया जा सके। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, और वो ये है कि हर एक साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, और उसमें बताना पड़ता है कि आपने पूरे साल में क्या क्या काम किए, आपको क्या क्या असुविधा हुई, और आप क्या सुधार चाहते हैं। ये सारा रिपोर्ट यूपीएससी को तैयार करके पार्लियामेंट के सामने में प्रस्तुत करना होता है,
और उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रत्येक साल स्टेट असेंबली में अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है, जिस पर कि बाद में असेंबली या पार्लियामेंट के द्वारा उस पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है और धारा 323 में एक ए जोड़ा गया है, जिसके तहत में अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको कैट बोलते हैं, और स्टेट में भी बहुत सारे स्टेट ने तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर दिया, जैसे एमपी ने ख़त्म कर दिया, लेकिन बहुत सारे स्टेट में ये कार्यरत है। तो स्टेट के लिए मैंने राज्य के लिए और केंद्र के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन की व्यवस्था की गई है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जिसको कैट बोलते हैं, उनका काम क्या है कि सर्विस कंडीशन और रिक्रूटमेंट के संबंध में, मैंने सर्विस कंडीशन के संबंध में सुनवाई करने का उनको अधिकार प्राप्त है। अगर केंद्र का कोई कर्मचारी या अधिकारी केंद्र सरकार के किसी कार्रवाई से असंतुष्ट है तो वो कैट में पिटीशन दायर कर सकता है। शुरू में तो ये 1985 में गठन हुआ, शुरू में तो हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को हटा दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को अक्षुण कर दिया। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि अगर कोई अधिकारी केंद्र सरकार के किसी कार्रवाई से असंतुष्ट है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कैट में पिटीशन दायर करेगा, कैट उसमें सुनवाई करेगा। अगर पिटिशनर की बातें सही निकली तो कैट उसके पक्ष में प्रस्तुत पक्ष में जजमेंट पास करेगा, और अगर दूसरी पार्टी मान लीजिए केंद्र सरकार वो चाहे तो वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, और फिर हाईकोर्ट में दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो एक लंबी प्रक्रिया हो गई, जो जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी तो जो उसका बेसिक जो पर्पस था वो था कि हाईकोर्ट के काम को और सुप्रीम कोर्ट के काम को हल्का करना, जो सर्विस मैटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो बहुत सारे समस्याएं आती थी उससे निजात पाने के लिए, और हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो बर्डन ऑफ वर्क को कम करने के लिए कैट का गठन किया गया था, और राज्यों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। लेकिन अब चूंकि ये जो प्रक्रिया हुई है कि कैट के द्वारा निर्णय दिए गए निर्णय को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाईकोर्ट में दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, और जिसके कारण से बहुत सारे मामले में काफ़ी समय लग रहा है और सरकारी अधिकारियों को स्पीडी जजमेंट या त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है, समय लग रहा है। खैर, तो ये दोस्तों एक इससे संबंधित कैट से संबंधित एक क्वेश्चंस भी पिछले वर्ष यूपीएससी में पूछा गया है, तो मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में हिंट किया। लेकिन जब हम कैट के बारे में अलग से या सेट के बारे में अलग से हम टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसके अधिकार कर्तव्य के बारे में, उसका मूल्यांकन कि अभी तक कैट का और सेट का परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या वो संविधान के कसौटी पर खड़ा उतरा, क्या कर्मचारियों और अधिकारियों को त्वरित न्याय मिला, ये सारे चीज़ों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे देश में जो सर्विसेज की स्थापना की गई है वो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा 1919 के एक्ट में या उसके पहले के एक्ट में इसका प्रावधान किया जा चुका था, और उसी को
थोड़े से चेंजेस के साथ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी सर्विसेज को अक्षुण रखा। अब सवाल ये उठता है कि 70-72 साल के आज़ादी के बाद इन सर्विसेज का देश के प्रगति में क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो स्थापना की गई थी, उसका मकसद था देश की यूनिटी को, देश के एकता को, अखंडता को मजबूत बनाए रखना। और देश चूंकि पार्टीशन से गुजरा था, देश में विभिन्न प्रकार के डिवाइसिव फोर्सेस या विभाजनकारी तत्व सक्रिय थे, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में। तो और इसके अलावा एक अलग गुट था देसी राजा राजवाड़ों का, जो उनके बहुत सारे जो कारिंदे थे वो उनके लॉयल थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों ने जी जान से मेहनत करके देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा है, और ये इनका सबसे बड़ा योगदान है भारत के प्रशासन के इतिहास में। हम उनके परफॉर्मेंस से अगर हम चाइना का आकलन करें और यदि इंडिया का आकलन करें, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, और आज की तारीख में इंडिया चाइना से बहुत पीछे हो गया। तो अगर तत्कालीन गवर्नमेंट या सरकारों पर अगर हम आरोप लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें IAS IPS और IFS अफसरों पर भी आरोप लगाना होगा, क्योंकि जो मेन जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है भारत सरकार की नीतियों का, वो कौन है? ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स। तो भारत अगर चाइना के अनुपात में तरक्की नहीं कर पाया पिछले 72 साल में, तो इसमें बहुत सारी कमजोरियां ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबरों की भी है। तो दोस्तों, आज मैं अपना उद्बोधन यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं इन सर्विसेज के बारे में और विस्तृत रूप से व्याख्या करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इस पर जरूर अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।